लगातार पूरे देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है, उसी के साथ पूरी दुनिया इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुकी है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स से मिले, आज हम एक ऐसे नेता से मिले जिसको आप भी जानते होंगे, आजमगढ़ ट्रालिंग सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, इसरार अहमद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं या फिर असहाय लोग हैं, लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। उनका कहना भी है, हमसे बातचीत इसरार अहमद की हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही हमें पता चलता है, हमारे पास फोन आता है, हम तक कोई मैसेज आता है, कोई पीड़ित या फिर कोई जरूरतमंद है, तो हम उसकी जरूरतों को पूरी तरीके से पूरी करते हैं। क्या बात हुई इसरार अहमद से हमारी, आप पहले रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रमुख पति इसरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से। स्वागत है इसरार अहमद साहब आपका। पहले तो हम ये जानना चाह रहे हैं, लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लगातार आप अपने क्षेत्र के लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या मंशा है आपकी? देखिए, ये मंशा नहीं है, ना पॉलिटिकल नज़रिए से कर रहे हैं हम, इंसानी नज़रिए से कर रहे हैं, और ना कि ये लॉकडाउन में किया जा रहा है, ये पहले से हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं, हमारे भाई करते चले आ रहे हैं, और हम लोग भी हम कर रहे हैं, आने वाली नस्लें भी हमारे खानदान की, हमारे घर की करती रहेंगी। इसको पॉलिटिकल नज़रिए से मत लीजिए, ये इंसानी नज़रिए से। जो काम सांसद विधायक को करना चाहिए वो आप कर रहे हैं? मैं देखिए नेता नहीं, इस देश का बेटा बन के काम कर रहा हूँ, और बेटा जब बन जाएगा ना तो आपको हर काम करने में मजा आएगा। अखिलेश यादव जी सांसद हैं आजमगढ़ के, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, वो अभी तक आजमगढ़ आए नहीं। देखिए, सांसद जी नहीं, पूरे हिंदुस्तान का कोई लीडर कहीं नहीं आया गया। जब लॉकडाउन है तो जब बड़े प्रियंका गांधी जी तो आई थी, प्रियंका गांधी लॉकडाउन से पहले आए थे। लॉकडाउन में कहीं किसी नेता ने कहीं कदम नहीं रखा जी, उसकी एक वजह भी है कि लॉकडाउन में अगर बड़े नेता उल्लंघन करेंगे तो छोटे लोग भगदड़ मचा देंगे। दूसरी चीज ये इसरार अहमद साहब की, अखिलेश यादव जो है आजम खान की गिरफ्तारी पर कुछ बोले नहीं, इस पे काफी लोग बड़े आक्रोशित हैं। ये किसने कह दिया आपसे कि अखिलेश यादव नहीं बोले? अखिलेश यादव हमेशा पार्टी में बयान दिए, हमेशा उठाए। अखिलेश यादव जब ये बंद, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरा थे आजम खान साहब, उनके लिए सिर्फ बोलना काफी है? थे नहीं, थे और हैं और रहेंगे। समाजवादी पार्टी के धरोहर है, समाजवादी पार्टी की बुनियाद है, उसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आजम खान की इज्जत करता था और है और रहेगा जी। और उनकी मुसीबत समाजवादी पार्टी की मुसीबत है, और मैं उस सभी राजनीतिक दल को इस बात का संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पॉलिटिकल नज़रिए से ना देखे, व्यक्तिगत नज़रिए से उनके ऊपर कार्रवाई की गई जी, तो इस तरीके से हर दल के सोच ले, कभी ना कभी उनको भी मौका आएगा, उसके भुगतने के लिए भी तैयार रहे। और समाजवादी पार्टी धरना प्रदर्शन उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप देख रहे हैं ये सरकार नहीं चल रही है, तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र की हत्या हो गई, कहीं लोकतंत्र नजर ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र है। जिस दिन हमको अधिकार मिलेगा अपनी लड़ाई लड़ने का, हम लड़ते रहेंगे। अगर हम आज लड़ाई लड़ते हैं तो ये सरकार हमको ये कहेगी कि आप हमारे आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं जी। गर्मी का मौसम है इस तरह अहमद साहब, इस चिलचिलाती धूप में आप तो कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं सोशल मीडिया पर या न्यूज चैनलों पर लोगों की मदद करते, लेकिन वर्तमान यहाँ के इलाके के जो आजमगढ़ के जो भी विधायक हैं बहुत कम नजर आते हैं, चेहरा भी कम दिखाते हैं। अब अपनी अपनी मानसिकता है, मैं तो अल्लाह का शुक्र, मेरे ख्याल से गर्मी बड़ी ज्यादा है। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि अल्लाह ताला मुझसे काम लेना चाहे और अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, और मुझे तो, मैं रमजान के महीने में रोजा रख के निकलता रहा, मुझे तो नहीं लगा कि कहीं धूप है, कहीं चिलचिलाती तपन है। विधायक सांसद को तो गर्मी भी ज्यादा लगती है, मतलब बाहर निकलने पर। ईमान लोग दुरुस्त कर ले, मरना एक दिन है, मौत से पहले नहीं मर सकते। मौत को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मुझे मौत की खौफ नहीं है, मुझे जज्बा है काम करने का, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तरफ। आजमगढ़ की जनता को क्या मैसेज देंगे आप? मैं आजमगढ़ की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता को मैसेज देना चाहता हूँ कि इस महामारी में जिस तरीके से लोगों ने झेला है, और आप जान रहे हैं कि सरकार के दावे तमाम फेल रहे, सरकार अपने जो काम करने का दावा कर रही तो उस पर फेल रही, और न सरकार के बस की बात भी नहीं कि सबका पूरा कर ले, ना समाज कर पाए, ना एक व्यक्ति कर पाएगा। समाज के हर वर्ग की जिम्मेदारी थी, सब लोगों ने उठाया तो इसको पूरा किया गया है, और अल्लाह ही मुसीबत जब डाला था तो अल्लाह ही देगा। कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि एक शायर ने कहा था कि जो पत्थरों में कीड़ों को पाल सकता है वही इस मुसीबत को टाल सकता है, जो पूरी दुनिया पूरी कायनात का मालिक है वही कोई इसका रास्ता निकाल सकता है। तो रास्ता अल्लाह ने निकाला, लोगों की मदद करने का तरीका लोगों को दिलों में डाला,
लोग मदद भी किए, बहुत से सामाजिक संगठन, बहुत से पॉलिटिकल संगठन ने मदद किया। लोगों को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं और भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन जो है वो भी मदद करें लोगों की, तभी, क्योंकि एक इंसान से गरीबी को ना नहीं मिटाया जा सकता। कहा ना कि सरकार की बस की बात नहीं है कि सरकार सबका पूरा कर ले, ना एक आदमी सबका कर लेगा। समाज बहुत बड़ी चीज है, समाज मिलकर करता है और किया भी है। बिल्कुल। और मैं एक इस लॉकडाउन में, इस कोरोना में गरीब लोगों को एक संदेश दूंगा, इससे सीख ले लीजिए। ये नहीं है कि जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि रोज कमाए रोज खाए उड़ा दिए। कमाओ, कुछ बचाओ भविष्य के लिए। अगर बचाओगे तो फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुलायम सिंह यादव जी कहते थे अपने जमाने में कि हम परिवर्तन की राजनीति करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि ना किसी के सामने सर झुकाओ, ना किसी के आगे हाथ फैलाओ, अपने पैर पर खुद स्टैंड हो। हम जानना चाहते हैं कि आपको क्या बीमारी थी जो आप बता रहे हैं कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, जानता जानना चाहती है। तो क्या हमारा पल्स बैठ जाता था, तो उस दिन हमारा 3 दिसंबर को पल्स एकदम बैठ गया, 22-23 ऊपर हो ही नहीं पा रहा था। अच्छा। फिर उसके बाद वो हमको डॉक्टर चौहान के ले गए, वहाँ से फिर हमको अल्लाह से हमने दुआ किया कि हमको वापस कर दीजिए, कुछ खिदमत करनी है। अल्लाह ने सुना, वापस भेजा मैंने, मुझसे फिर खिदमत भी बहुत। यानी कि दुआ और गरीबों की दुआ हमारे साथ तो है, हिंदू मुसलमान गरीब सबकी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। यही कहेंगे कि जिस दिन अंतर मिट जाएगा, जिस दिन अंतर मिट जाएगा पूजा और अजान में, उस दिन सबसे बढ़िया स्वर्ग बनेगा अपने हिंदुस्तान। बहुत बहुत